तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये सभी GCOR के लिए। और वॉइस ऑफ एक्सेप्शन सोसाइटी के बारे में आप जानते होंगे, जो कि GCOR की आवाज़ समय समय पर उठाती रहती है। आपने MSP का मामला सुना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट। उसका जो डिटेल्स है, उसका जो केस है, वॉइस ऑफ एक्सेप्शन सोसाइटी लड़ रही है। ये कोई गवर्नमेंट की संस्था नहीं है, बल्कि हम और आप जैसे लोगों से ये संस्था मिलकर बनी है। और समय समय पर GCOR के लिए जो भी हक है, चाहे CSD में हो, चाहे ECHS के अंदर हो, चाहे अन्य जगहों पे हो, फौज में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ, जो भी जहाँ पे भी इनको लगता है और जहाँ हम देखते हैं उनके लिए ये लोग आवाज़ उठाते रहे, तो उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है। उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या उन्होंने बिल्कुल सटीक बातें कही हैं, जो कि हम सब पूर्व सैनिकों को जानना जरूरी है। उसके अलावा ये कोई सरकारी संस्था नहीं है, एक हम और आप लोगों ने बनाई है। तो यहाँ पे आप डोनेशन देना चाहते हैं तो डोनेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक डोनेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करते ही इसमें आप डोनेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये संस्था कोई सरकारी नहीं है, हमारे और आपकी मदद से चलने वाली संस्था है। तो इन्होंने एक वेबिनार का आयोजन किया था और जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए, जो कि हम सभी को जानना जरूरी है। 29 दिसंबर की बात है दोस्तों, और इसमें जो इनके द्वारा महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं वो सभी पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक करके हम इन डिटेल्स को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ORP के बारे में कहा गया कि चर्चिल विश्व युद्ध जीत गए लेकिन चुनाव में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। सैनिकों की बहुतायत वाले हिमाचल की हार से भी मोदी सरकार सबक नहीं ले रही है और आत्ममुग्ध होकर विश्लेषण कर रही है जैसे कांग्रेस करती थी। कॉरपोरेट सूट के साथ और ORP और ORP 1 का रिविजन, जिसके तहत सारा लाभ अधिकारियों को दे दिया गया और 500 से 1500 रुपये का झुंझुना जो है GCOR को पकड़ा गया। सरकार जो अपमान कर रही है इस तरह से सैनिकों का, उसकी कीमत आने वाले चुनाव में सरकार को चुकानी पड़ेगी। सरकार सैनिक वर्ग के 97% GCOR NCO और उनके परिवार के सदस्यों, जिनका वोट तकरीबन 3 करोड़ है, उनका समर्थन खो देगी। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि 1/1/2006 को एक लेफ्टिनेंट कर्नल 14,400 रुपये पर था और आज DA सहित 1,36,388 रुपये लेगा। दो हवलदार की पेंशन के बराबर तो लेफ्टिनेंट कर्नल DA ले रहा है। हवलदार, सर्जेंट, पेटी ऑफिसर सेना की बैकबोन है, लेकिन ब्रिटिश मानसिकता की सोच वाले काले अंग्रेजों के प्रभाव में मोदी सरकार बैकबोन को ही तोड़ने में लगी हुई है। सरकार को नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक का जो टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर US फोर्सेज और अन्य आधुनिक सेनाओं में इस रैंक के रोल का अध्ययन करना चाहिए। कल वॉइस ऑफ एक्सेप्शन सोसाइटी के जूम मीटिंग में सरकार के जवान विरोधी रवैये के प्रति घोर नाराजगी देखी गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए। सरकार को यह अधिकार दिया जाए कि जवान जीसीओस को जो आप 500 और 1500 रुपये की बढ़ोतरी इस ORP 1 में दे रहे हो, वो भी अधिकारियों को दे दिया जाए। सरकार के विरुद्ध एक विशाल प्रदर्शन 26 जनवरी के बाद दिल्ली में किया जाएगा। सभी GCOR की संस्था इनमें सहयोग करेगी। उनसे संपर्क साधने की जिम्मेदारी ITCL के जितेंद्र देव मोबाइल नंबर उनका दिया गया है यहाँ पे को दी गई है। देश की सभी संस्थाओं से आग्रह है कि इस अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में अपना बहुमूल्य योगदान देने के लिए अपने संपर्क, जो यहाँ पे जितेंद्र देव हैं उनसे आप अपना संपर्क करें। एक समान मिलिट्री सर्विस पे के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में फाइनल बहस के लिए बेस्ट एडवोकेट को जो है लिया जा चुका है। तो यहाँ पे जो मेन बात थी कि 26 जनवरी के बाद दिल्ली में विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे, जो कि GCOR की आवाज़ है, उसकी जो मांगे हैं, उनकी जो जायज मांगे हैं उनको उठाने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी बातें मिलेगी बिल्कुल 100% मिलेगी। आप खुद अपने से इमेजिन करें कि क्या हो रहा है, ये इस तरह से न पढ़ें, इस तरह से न सोचें कि यार ये तो किसी और के साथ हो रहा हो। ये सब हमारे और आपके बीच की खबर है और जो हमारे साथ हो रहा है उसका यहाँ पे इन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है। हम लोग न उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं और न कह पाते हैं और न हम कोई कार्रवाई करते हैं, लेकिन इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है वो भी एक सराहनीय कदम है। ORP की अवधारणा केवल GCO NCO वार्स के लिए थी, क्योंकि कम उम्र और कम सेवा में यही रिटायर होते हैं और तीसरे वेतन आयोग ने भी इन वर्गों का पेंशन पे का 80% से घटाकर 50% से नीचे लाया, जबकि सरकार ने ORP का लाभ सारा लाभ 55 से 58 साल सेवा के बाद 100% रिम्प्लॉयड का लाभ देने वाले अधिकारियों को दे दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके लिए GCOR और NCO के पेंशन जो है कम कर दी। धृतराष्ट्र की तरह अंधी सरकार GCO NCOR के दोयम दर्जे का नागरिक समझते हुए सिर्फ ऑफिसर की सिक्योरिटी एजेंसीज को BGR के माध्यम से इन पैनल करती है और इनको करोड़ों का व्यापार
देती है। उसी तरह कोल लोडिंग ट्रांसपोर्ट कंपनी का व्यापार भी ऑफिसर को ही मिलता है। कोको पेट्रोल सीएनजी पंप भी केवल ऑफिसर को मिलता है और डीजीआर द्वारा ऑफिसर को दिया गया करोड़ों रुपए का सिक्योरिटी एजेंसी के व्यापार के लिए सैनिक हमारे जैसे गार्ड के रूप में काम करते हैं, इसलिए सरकार और अधिकारियों का नेक्सस जवानों को इतना कम पेंशन रखती है कि अधिकारियों की सिक्योरिटी एजेंसी के लिए गार्ड मिल सके। अगर राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर अधिकारियों के लिए सरकार सुरक्षा गार्ड तैयार कर रही है तो यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण सोच है सरकार की। आगे इसमें कहा गया है कि छठवें वेतन आयोग के समय तीनों सेना प्रमुख ने तीन मांग सरकार के सामने रखी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल के पे बैंड 3 से 4 में करना, मेजर जनरल को MSP देकर पे फिक्स करना और JCOs और NCOs को 75% पेंशन देना। सरकार ने अधिकारियों की मांग स्वीकार कर दिया और JCO और NCOs की पेंशन पे का 70% की मांग अस्वीकार कर ली। तीनों सेना प्रमुख खुश हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, यदि आप और हम इस बात को नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। जो इस बात से इफेक्टेड है, जो इस सिस्टम से, इस खबर से इफेक्टेड है, उनको ये बात समझनी होगी। जहां पर कि लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, उनकी जो मांगे थी, उनकी जो मांगे यहां पे रखी गई थी उसको तो सरकार ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जो JCOR के लिए पे का 70% पेंशन देना कहा गया था उसको सरकार ने अस्वीकार कर दिया। MSP सैन्य जीवन की कठिनाइयों के ऊपर था, लेकिन जवानों से दोगुना और तिगुना पेंशन नर्स और अधिकारियों को दे दी। लेटरल इंडक्शन के नाम पर JCO NCOR के जो दो सुविधा थी, पे का अधिकतम पर पेंशन रैंक बेटेज देकर फिक्स करना, वापस ले ली, सुविधा भी वापस ले ली और लेटरल इंडक्शन को भी लागू नहीं किया गया। अगला जो पॉइंट है कि सातवें वेतन आयोग में जवानों के पेंशन में 2.57 का मल्टीप्लाई किया गया, जबकि अधिकारियों के पे बैंड में 2.67 से लेकर 2.81 से जो है मल्टीप्लाई किया गया, और इससे जो ज़्यादा पेंशन लेने वाले थे, अधिकारी थे, उनकी पेंशन यहाँ पर बढ़ गई। डिसेबिलिटी पेंशन स्लैब आधारित थी, जिसको अधिकारियों के दबाव में सरकार ने प्रतिशत आधारित कर दिया, जिससे सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा से भी जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन कम हो गई, जबकि अधिकारियों का डिसेबिलिटी पेंशन काफ़ी अधिक बढ़ गया। उदाहरण के लिए एक हवलदार का डिसेबिलिटी पेंशन 3,510 रुपये और अधिकारियों की 5,880 रुपये। इस ORP रिवीजन के बाद पेंशन की दृष्टि से अधिकारियों के सबसे नीचे रैंक यानी लेफ्टिनेंट कर्नल को 100% डिसेबिलिटी के लिए 60,000 रुपये के करीब मिलेंगे, जबकि एक हवलदार को 13,376 रुपये मिलेंगे मात्र। तो ये कहाँ का इंसाफ है, आप भी सोच सकते हैं। जबकि उस डिसेबिलिटी के उत्पन्न तकलीफ और परिस्थितियों का दोनों को समान रूप से झेलना पड़ेगा, यानी कि डिसेबिलिटी हाथ एक जवान का भी कटा है, ऑफिसर भी कटा है, परेशानी उसको भी होगी दोनों को, लेकिन जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें इतना अंतर कर दिया गया कि जो हम सोच भी नहीं सकते। लिस्ट लंबी है, इसलिए अतिरिक्त तमाम तरह की भेदभाव जवानों और उनके परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो CHD हो, ECHS हो, सैनिक बोर्ड या कहीं अन्य, जहां की व्यवस्था अधिकारियों के हाथ में है वहीं आपको भेदभाव मिलेगा और किया जा रहा है। यहां भी निवेदन है कि सरकार को पे का 75% पेंशन एक समान MSP देकर पेंशन फिक्स करना चाहिए तथा डिसेबिलिटी पेंशन का फार्मूला बदलकर JCO NCO OR को की जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी तथा वो सस्ता जिसका संचालन अधिकारियों के हाथ में है को भेदभाव मुक्त कर सरकार और JCO NCO OR जो पूरी सैनिक बिरादरी की 97% है उनका जो है उनके लिए न्याय करना चाहिए, नहीं तो इन्हें उन वर्गों के विरोध को झेलना पड़ेगा। ये जो बात कही है दोस्तों बी बहादुर सिंह, जो कि राष्ट्रीय संयोजक है, वॉइस ऑफ एक्समैन सोसाइटी के संस्थापक है, और इनके द्वारा ये जो डिटेल्स कही हुई है, जो यहाँ पे बातें कही हुई हैं, उसको आप सोच सकते हैं। तो इनमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 26 जनवरी के बाद दिल्ली में विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो भी आपकी प्लानिंग है, जो ITCL के जितेंद्र देव हैं उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे। तो ये थी दोस्तों जानकारी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है JCOR के लिए। हम लोग सिर्फ ORP टेबल देख रहे हैं सुबह से शाम तक, कितना बड़ा वो सब झूठे हैं, कोई आपको सही नहीं मिलेगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा और जो नहीं मिलेगा या नहीं मिल रहा है उसके लिए हम कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक जो ORP टेबल्स चल रहे हैं यूट्यूब में, उनसे आप सावधान रहें, क्योंकि उनसे
सिर्फ मन को शांति मिलेगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अकाउंट में कोई शांति नहीं मिलेगी, वही रहेगा जो फिगर है। आज इतना ही चाहिए।